सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप से फोटो एडिटिंग करना। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कितनी कमाल की फोटो एडिटिंग हुई है। तो अगर आप लोग इस टाइप से एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस तरह की फोटो एडिटिंग दो ही एप्लीकेशन से किया हूँ और आप लोग को दो ही एप्लीकेशन से कर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं इसमें आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं फेस पे कितनी कमाल की चमक लाए होते हैं, इसे आप लोग को लाकर दिखा दूंगा। तो आप लोगों को सबसे पहले आप लोग को कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को एक बैकग्राउंड का लिंक मिलेगा। ये वाली बैकग्राउंड है, इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से आप लोग करना क्या होगा, इसको आप लोग को शेयर कर लेना है अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे मैं शेयर कर लेता हूँ अपने ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को शेयर करने के बाद से कुछ स्टेप्स हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करना है। और आप लोग को इस पर क्लिक करने के बाद से आप लोग को यहाँ पे इनपुट इमेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से मैं बैकग्राउंड को पहले से इरेज किया हूँ। अगर आप लोग को बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो मैं आई बटन पे या वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद से आप लोग भी HD बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे। तो उसके बाद से इतना कर लेने के बाद से डन कर देना है। तो अब हमारी फेस देखिए यहाँ पे चमक नहीं है, बैकग्राउंड ज़्यादा चमक रहा है, फेस डार्क में दिख रहा है। तो इसको चमक लाने के लिए आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और लेयर पे क्लिक करने के बाद से एक और लेयर इनपुट कर लेना है। पहले तो आप लोग को ये वाली लेयर को मर्ज करा लेना है। उसके बाद से यहाँ पे आपने जो लेयर बनाए उस पर आप लोग क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे आप लोग को ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से सॉफ्ट लाइट कर देना है। तो यहाँ पे सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्लिक करना है। उसके बाद से कट कर देना है और यहाँ पे डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से कलर को ले लेना है। यहाँ पे पिन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप लोग क्लिक करके ऐसे आप लोग को फेस पे कहीं ले अगर छोड़ देना है। उसके बाद से यहाँ पे छोड़ने के बाद से आप लोग को पता ही होगा कि ब्लैक पे ले अगर छोड़ेंगे तो आप लोग का कलर ब्लैक ही होगा। तो उससे बढ़िया होगा कि आप लोग व्हाइट पे ले अगर छोड़िएगा। उसके बाद से कलर पे आ जाना है और उसके बाद से इसको व्हाइट को इंक्रीज कर लेना है। व्हाइट को इंक्रीज करने के बाद से कुछ स्टेप्स हो जाएगा। उसके बाद से डन कर देना है। डन करने के बाद से ऐसे अपने फेस पे कलर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फटाफट और आप लोग आराम से कीजिएगा, ताकि अगर आप लोगों को फेस से बाहर कलर जाएगा तो आप लोगों को भी पता है कि फेस से बाहर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग आराम से कीजिएगा। मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी लिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग वीडियो देखते नहीं है, वीडियो की स्किप करते हैं और वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। कि जब आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं तो वीडियो बनाने से फ़ायदा क्या होगा। तो उसी लिए भाई आप लोग वीडियो पहले देखिए, उसके बाद से आप लोग एडिटिंग कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। उसके बाद से फिर से कलर हट गया था, वही दोबारा सेलेक्ट कर रहा था। तो आप लोग मत कीजिएगा, उसी लिए बता रहा था कि आप लोग आराम से करेंगे तो आप लोग भी कलर वैसे ही रहेगा जैसे जो आप लोग शुरू में सेलेक्ट किए होंगे। तो यहाँ पर मैं इतना कर लिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी कमाल की चमक आ रही है। तो चलिए मैं इतना कर लिया हूँ। उसके बाद से अगर आप लोग को यहाँ पे फेस पे कलर ज़्यादा दिखे तो उसके बाद से यहाँ पे आप लोग करना क्या होगा, अपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से इसका ओपेसिटी हल्का सा कम कर लेना है। और जैसे कम करेंगे कुछ इस टाइप से हो जाएगी। अब आप लोग को पूरी फोटो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं हैंड पे नहीं किया हूँ, उसके बाद उसी लिए ऐसा दिख रहा है। अगर हैंड पे करने लगूंगा तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं इतना फेस पे कर दिखा दिया हूँ। उसके बाद से यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, लेयर को मर्ज करा लेना है और फिर से एक लेयर इनपुट कर लेना है। लेयर इनपुट करने के बाद से यहाँ पे लेयर पे फिर से क्लिक करना है और वैसे आप लोग कर देना है ब्लेंडिंग को चेंज। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग को चेंज करने के बाद से ब्रश वही रहेगी, ब्रश जो मैं मीडियम ब्रश थी मीडियम ब्रश ही रहेगी। उसके बाद से यहाँ पे कलर को चेंज कर लेना है। इस बार कलर आप लोग को जैसे चेंज कर रहा हूँ वैसे आप लोग को रख लेना है और इतना रख लेने के बाद से इसे डन कर देना है। उसके बाद से कट करके और यहाँ पे लिप पे कलर कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। तो इतना कर लेने के बाद से कुछ इस टाइप से दिखेगी। उसके बाद से यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो जाएगी। उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, उसको हटाने के लिए आप लोग को यहाँ पे ऐसे आप लोग हटा सकते हैं। तो उसके बाद से यहाँ पे फिर से मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे हल्का यहाँ पे कर लेता हूँ और आप लोग भी आराम से कीजिएगा, नहीं तो फेस पे इधर उधर कलर हो जाएगी तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे कर लिया हूँ। उसके बाद से अब आप लोगों का करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद से ओपेसिटी को इसको एडजस्ट कर लेना है, ओपेसिटी कम कर लेना है। उसके बाद से कम करने के बाद से फोटो लेयर को मर्ज करा लेना है और फोटो को शेयर कर लेना है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप लोग को एक एप्लीकेशन और बताया था, दो एप्लीकेशन बताया था।
दोनों एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पे एक पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है, यहाँ पे बहुत ही आसान सा है। तो यहाँ पे आप लोग को इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद से कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है। उसके बाद से यहाँ पे कहीं भी बैकग्राउंड में कहीं भी कलर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे इसको ये वाली कलर को रख लेना है। तो यहाँ पे ये वाली कलर रखने के बाद से इसे डन कर देना है। डन करने के बाद से आप लोग को पूरी फोटो कुछ इस टाइप से दिखने लगेगी। अब हमारी फोटो बनकर रेडी हो गई। और स्टिकर मैंने ऐड किया था, तो स्टिकर के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे स्टिकर आप लोग को मतलब सर्च कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे मतलब सर्च किया हूँ वैसे आप लोग को सर्च कर लेना है। और सेकेंड नंबर पर जो स्टिकर है इसको आप लोग को ले लेना है और नीचे के साइड में यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ पर आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद अब हमारी फोटो देखिए जैसे मतलब दिखाया था वैसे यहाँ पर बनकर रेडी हो गई। उसके बाद अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।